हमारे पास, हमने ऊपर थ्रो किया 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, अब ऊपर जब जाएगी मैक्सिमम हाइट पे, उसकी वेलोसिटी क्या होगी मैक्सिमम हाइट पे? जीरो हो जाएगी इस पॉइंट पे। तो अब इस ग्राफ से देखकर बताओ कौन सा टाइम है जब वेलोसिटी जीरो हो रही है? 3 सेकेंड। ये क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है, एक बार फिर से बता दो। मैं कह रही हूँ कि हमारे पास जो मैक्सिमम हाइट होती है उस पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है। अब यहाँ पे ग्राफ पे देखें तो ये y एक्सिस वाला वेलोसिटी है और x एक्सिस वाला टाइम। तो y एक्सिस की वैल्यू 3 सेकंड के जैसे टाइम आया तब जीरो हो गई। अब ऊपर जाते थे हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है 30 और फाइनल वेलोसिटी v है, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? -9.8 या फिर आप कह सकते हो यहाँ पे -10। क्लियर है? अब अगर हमें हाइट बतानी है तो कौन सी इक्वेशन से यूज करें? इनिशियल भी टाइम वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, टाइम भी है, एक्सेलरेशन भी है। सेकंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। कोई से भी आप यूज कर सकते हो, सेकंड यूज करनी है सेकंड यूज कर लो, थर्ड यूज करनी है थर्ड यूज कर लो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। अब जैसे केशव ने बोला थर्ड वाली इक्वेशन, तो v स्क्वायर, तो हमारा ये तो जीरो ही हो गया, जीरो का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 30 है तो 30 का स्क्वायर। एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना है? -10। और हाइट हमें निकालनी है तो एक तो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास हाइट आ जाएगी 900/20। क्लियर है सबको? 900/20 आया, 45 आ जाएगा। यस मैम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड वाला। द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय दिस रिलेशन 6 + 12t - 2t² और हमें बताना है कितना डिस्टेंस कवर हुआ पहले 5 सेकंड में। तो इसको समझने के लिए पहले ऊपर वाला ग्राफ फिर से देखते हैं। ये दोनों क्वेश्चन अलग हैं पर ग्राफ को रेफर करते हैं। जब वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ होता है, शिवराज आपको कोई डाउट है? जब वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ होता है उसका एरिया क्या देता है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस यही देता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, एक एरिया ये है और एक एरिया ये है, कौन से वाला पॉजिटिव है? ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव है, नीचे वाला एरिया नेगेटिव है। सबको समझ आ रहा है ना ये? यस मैम। नो मैम। देखो जो एक्सिस के ऊपर एरिया होता है उसको पॉजिटिव लेते हैं, जो एक्सिस के नीचे एरिया होता है उसको नेगेटिव लेते हैं। तो ये वाला एरिया एक्सिस के ऊपर है आखिर, इसलिए पॉजिटिव, और नीचे वाला एरिया नेगेटिव। क्लियर है? क्लियर है? ओके। तो अगर तो इसका मतलब एक पर्ट एरिया है स्केलर। हाँ एरिया स्केलर है, पर एरिया से जो चीज मिल रही है वो तो वेक्टर है यहाँ पे निलेश। यस मैम। इसलिए वो पॉजिटिव नेगेटिव ले रहे हैं। अगर वो वेक्टर नहीं मिलेगी जैसे डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं लेगी। उसी को यूज करके सेकेंड क्वेश्चन होगा। तो अगर हम देखें तो एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है वेलोसिटी की, उस पर जीरो हो जाता है। मतलब एक टाइम लिया हमने तब वेलोसिटी जीरो हो गई, उसके एक साइड हमें पॉजिटिव मिल रहा है, एक साइड नेगेटिव। हो सकता था दोनों साइड पॉजिटिव मिलता, पर वो हमें देखना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है, अगर आप डायरेक्ट निकालोगे तो आपको ये नहीं पता है कहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो रहा है कहाँ पे पॉजिटिव। इतना समझ आ रहा है? Yes, है ना? वो चीज तो हमें वेलोसिटी ही बता सकती है। अब अगर डायरेक्ट निकालते और यहाँ क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट था तो कोई दिक्कत नहीं थी कि डिस्प्लेसमेंट पूछा और डिस्प्लेसमेंट का यहाँ फॉर्मूला है, पर हमें क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछा है और डिस्टेंस तो नेगेटिव को भी पॉजिटिव ही लेके चलता है। Yes, ma'am. कि yes, अगर नेगेटिव डायरेक्शन में -2 गए हैं तो उसको भी वो 2 ही गिनेगा कि 2 मीटर तो गए हम लोग। तो हमें ये देखना पड़ेगा कहाँ पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है कहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव। तो हमारे पास जैसे यहाँ पे
सिक्स प्लस 12t माइनस 2t स्क्वायर, हमें बोला है पोजीशन है 6 प्लस 12t माइनस 2t स्क्वायर और हमें 5 सेकंड तक का पूरा रास्ता बता दें। तो पहले यहां से हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में, वेलोसिटी बना देंगे। तो वेलोसिटी का मतलब क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव करना पड़ेगा। डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 12 माइनस 12 प्लस। प्लस कौन बोल रहा है, गलत बोल दिया था। 12 माइनस क्या, 40 है ना। अब जब भी हमें देखना है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है तो इसको जीरो के इक्वल कर दो, फिर एक जीरो के पहले वाला देख लो और एक जीरो के बाद वाला। जैसे मैं जीरो के इक्वल कर रही हूँ तो टाइम क्या आएगा, 3 सेकेंड्स। मतलब कुछ ऐसा हो गया कि वेलोसिटी ना इस 3 सेकंड पे तो जीरो हो गई है, ये हमें पता है। अब हमें देखना है जीरो से तीन में क्या हो रही है और 3 से 5 में क्या हो रही है। अगर पॉजिटिव हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, हम डायरेक्ट कर सकते हैं, पर नेगेटिव तो नहीं हो रही ये चेक करना है। तो ये चेक करने के लिए जैसे हम जब 0 से 3 के बीच में, आप इनके बीच में कोई भी नंबर ले लो, जैसे मान लेते हैं 1 लेते हैं, तो क्या देखो आप कि जो 1 सेकंड है तो वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव, पॉजिटिव आ रही है ना। पर कैसे आई, यहाँ पे देखो दिव्या वेलोसिटी का फॉर्मूला बना है 12 माइनस 40, इसमें इसमें बस 1 पुट करा, 12 माइनस 4 8 हो जाएगा। क्लियर है? यस मैम। अब 3 से 5 में एक नंबर ले लेते हैं बीच में जैसे 4, देखो उसमें पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव, नेगेटिव। मतलब ठीक है इधर का तो डिस्टेंस सही है कि पॉजिटिव है, हम ऐसे निकाल सकते हैं, पर राइट साइड वाले का हमें क्या लेना पड़ेगा, मॉड लेना पड़ेगा। ये क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, अब मान लो कि आप 0 सेकंड्स पे, अब 0 सेकंड पे मान लेते हैं आप 5 मीटर पे खड़े हो और जब 2 सेकंड बीत चुके हैं तो आप 15 पे पहुंच गए हो, तो आपने 2 सेकंड में कितना रास्ता पार किया, 10 मीटर। ऐसे निकाला कि फाइनल वाले में से इनिशियल को माइनस किया। यस मैम। तो अगर हमें निकालना है कि कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी हुआ तो हम देखेंगे कि ठीक है जब टाइम 3 था तब मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या था और टाइम 0 था तब क्या था, और इनका डिफरेंस कैलकुलेट करूंगी तो 3 सेकंड का आ जाएगा। यस मैम। यस मैम। तो सबसे पहले निकालते हैं कि जब 0 था तब कितना रास्ता पार हुआ, फॉर्मूला वही सेम है डिस्प्लेसमेंट का, निकालो। सिक्स आ जाएगा, टाइम को 0 पुट करा तो 6 आ जाएगा। ये समझ आया सबको कैसे किया है? यस मैम। अब हमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला था उसमें बस टाइम को 0 पुट करना था, टी की वैल्यू 0, तो हमें पता चल जाता कि 0 सेकंड पे हम कहाँ पे खड़े। अब 3 सेकंड हो गई तो हम कहाँ पे खड़े हैं, निकालो सब लोग। 24 पे। तो अगर मैं 0 पे 0 सेकंड पे 6 पे खड़ी थी और तीसरे पे 24 पे खड़ी हूँ तो कितना रास्ता पार किया मैंने, 18 किया है ना, कि उन 3 सेकंड में मैंने 18 किया। अब देखते हैं जब 3 से 5 हो गई सेकंड तो कितना किया, तो उसके लिए 5 पे निकालो वैल्यू क्या आएगी, 16। मैं पुट कहां पर करनी ये वैल्यू, ये देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है ना साहिल ऊपर, yes, उसकी की जगह पुट करनी है। yes, कितनी आ रही है निलेश, 16। 16 बोल रहे हो सब लोग या 60 बोल रहे हो, 16 16। अच्छा ठीक, हाँ तभी मैं बोल रही थी 60 कैसे आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से 16 आ गई, अब मेरे को फिर से माइनस करना पड़ेगा कि फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम पे क्या पोजीशन थी। तो मैं 16 में से आप देखो 24 को घटा रही हूँ तो क्या आ रहा है, 8 माइनस 8 माइनस 8 आ रहा है। तो अब ये माइनस आ रहा था और यही मैंने प्रूफ करके भी दिखा दिया था वेलोसिटी के फॉर्मूले से कि नेगेटिव आएगा। अब इस नेगेटिव को हमें पॉजिटिव रखना है क्योंकि हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं क्वेश्चन में,
हम इसे रखेंगे एट, तो टोटल रास्ता कितना पार किया हमने पहली तीन सेकंड में किया 18, अगली दो में आठ और कर लिया, तो टोटल कितना किया 26 किया। और अगर मैं पूछती डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई तो कैसे निकालते, अठारह माइनस आठ कर देते, डिस्प्लेसमेंट आ जाते हैं। सबको समझ आया ये? देखो यहाँ पे हमारे पास क्या था, ये तीन सेकंड का क्लियर है दिव्या, कैसे आया 18? यस मैम। अब देखो अगली दो सेकंड के लिए भी निकालना पड़ेगा, तो जैसे अब मान लेते तीन से शुरू हुआ है, अब तीन पे हम खड़े हुए हैं 24 पे, यहाँ पे हमने निकाला, हमें देखना है जब पांच सेकंड हो गए तो हम कहाँ खड़े हैं। तो अब हम पता चल गया कि ठीक है हम तो यहाँ पे 16 पे खड़े हैं, तो हमने कितना रास्ता पार किया, हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए -8 आ गए, पर चले तो है ना हम इतनी जगह, इसीलिए डिस्टेंस के टाइम पे वो +8 हो गया, तो 18 और 8 को जोड़ा तो 26 आंसर आया। अब क्लियर है दिव्या? यस मैम। तो हमारे पास यहाँ से करेक्ट आंसर आ जाएगा 26। तो आपको क्वेश्चन में ध्यान से देखना है कि तो पोजीशन बता रहा था कि हर टाइम पे कहाँ पे खड़े हैं, तो सब्ट्रैक्ट करते गए डिस्टेंस निकालने के लिए, दूसरा डिस्टेंस निकाल रहे थे तो नेगेटिव कहीं भी नहीं लेना है, सिर्फ पॉजिटिव लेना है। क्लियर है सबको ये? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट दे रखे हैं पार्टिकल की, और उसका ये रहा वैल्यू एक्स इक्वल्स टू 70 + 4t² वाई इक्वल्स टू 5t, और हमें बताना है एक्सेलरेशन एट 5 सेकेंड्स। तो अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें या तो सिर्फ एक्स वाला कंपोनेंट था या सिर्फ वाई वाला, और हमें अगर एक्सेलरेशन बताना था हम डबल डेरिवेटिव करते थे आंसर आ जाता था। यहाँ पे दो है एक्स और वाई, तो दोनों का डेरिवेटिव करेंगे दो बार और हमारे पास दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक एक्सेलरेशन का एक्स वाला और एक एक्सेलरेशन का वाई वाला। इतना समझ आया सबको? यस मैम। ठीक, अब हमें अगर फाइनल आंसर निकालना होता है और दो कंपोनेंट होते हैं तो कैसे निकालते हैं? स्क्वायर रूट। करेक्ट, वो जो जो भी हमारे पास दो कंपोनेंट आएंगे उनका स्क्वायर कर देंगे, एड कर देंगे और फिर अंडर रूट ले लेंगे। इसमें किसी को डाउट है? नो मैम। तो एक एक करके दोनों का डेरिवेटिव करते हैं, तो x की जगह हम लेते हैं यहाँ पे 70 + 4t² तो पहले वेलोसिटी बताओ क्या हो जाएगी x वाली? 7 + 8t ऐसे। अब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा x वाला? 8 हो जाएगा। हाँ, अब y वाला देखते हैं, तो y में है 5t, तो y वाली डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। एक्सेलरेशन 0। ठीक है, अब हमें जब टोटल एक्सेलरेशन निकालना था तो इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करना था। मैंने ये फॉर्मूला इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे तो 0 आ रहा है तो उसकी वैल्यू नहीं है, पर अगर 0 की जगह कुछ और होता तो आपको यूज करना पड़ता। तो 8 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, इसको तो चार हटा लो, कितना आएगा आंसर? 8 आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है सबको? यस मैम। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास यहाँ पे है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन टाइम एज वी इक्वल्स टू 60 - 3t². ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है और हमें एवरेज स्पीड बतानी है 4 सेकंड में। तो पहले तो ये बताओ एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हाँ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम या फिर डेल एक्स अपॉन डेल टी। अब डिस्टेंस स्केलर होता है या वेक्टर? स्केलर। स्केलर। तो क्या कभी नेगेटिव की वैल्यू होगी उसमें? नो मैम। नो मैम। अपर वेलोसिटी के फॉर्मूले से अगर डिस्प्लेसमेंट बनाना है तो कैसे बना सकते हैं? वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट बनाना है तो कैसे बनाते हैं? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करके। हाँ, तो मैं इसका इंटीग्रेशन तो कर देती। चलो
6t - 3t² और टाइम बदल रहा है तो dt, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? 3t² - t³ यहाँ से आएगा 60² / 2, जैसा नीलेश ने कहा 3t², और यहाँ से आ जाएगा 3t³/3, तो ये 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 3t² - t³। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। नो मैम। अब अगर आप इसमें डायरेक्ट 4 पुट कर दोगे ना, तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, डिस्टेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा वो कहाँ कहाँ पे नेगेटिव हो रहा है। ये समझ आया सबको? यस मैम। अब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव वहीं पे होगा जहां पे वेलोसिटी नेगेटिव है, तो निकाल लेते हैं फिर से। 60 - 3t² है हमारे पास, यहां से अगर मैं 3t कॉमन ले लू तो अंदर आएगा 2 - t। अब बताओ ये वाली वैल्यू अगर मैं 0 से 4 तक की बात करी तो वो कौन सा टाइम है जहां पे 0 हो जाएगी? 2 पे 0 हो जाएगी, है ना। जैसे ही मैंने 2 किया वो 0 हो गई। अब 2 से पहले वाला टाइम देखना है और 2 के बाद वाला। तो 2 से पहले अगर मैं जैसे 1 ले रही हूँ तो पॉजिटिव आंसर आएगा या नेगेटिव? पॉजिटिव। यहाँ से पॉजिटिव आ रहा है। और 2 और 4 के बीच में कोई नंबर लेके देखो, नेगेटिव आ रहा है। तो मतलब यहाँ वाला तो मेरे को ऑलरेडी डिस्टेंस मिल रहा है, इधर वाले के लिए मेरे को मॉड लगाना पड़ेगा। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। तो अब फिर से हम वही करेंगे कि अगर मेरे को निकालना है 0 से 2 सेकंड के बीच में हम कितना गए, जैसे लिमिट लगाते थे वही कर रहे हैं। हम करेंगे 2 सेकंड का निकालेंगे, उसमें से 0 वाला माइनस कर देंगे, तो एक चीज तो ये आ जाएगी। फिर 2 से 4 के लिए 4 वाला निकालेंगे, उसमें से 2 वाला माइनस कर देंगे, पर ये आंसर नेगेटिव आएगा क्योंकि हम देख चुके हैं 100% नेगेटिव आएगा, यहाँ पे मॉड लग जाएगा। इतना क्लियर है सबको? यस मैम। अब यस मैम, अलग अलग टाइम पे वैल्यूज बताओ। 0 पे क्या वैल्यू आएगी कैलकुलेट करोगे तो? 0 0 जी। 2 पे क्या वैल्यू आएगी? 4 आ जाएगी, 4 - 0, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ 4 पे क्या वैल्यू आएगी? 4 पे क्या वैल्यू आएगी? -16 आ रही है। और 2 पे हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं वैल्यू 4 है। तो अब आप देखो -16 - 4 - 20 आ रहा था। यस मैम। तो उस 20 को ही हटाने के लिए मॉड लगाया, यहाँ से हो गया 4 + 20, कितना रास्ता हो गया? 24। अब हमें एवरेज स्पीड बतानी थी, तो टोटल डिस्टेंस 24 और टाइम कितना था टोटल? 4 सेकंड। 4 सेकंड। 4। तो कितनी आ गई स्पीड? 6 6। अगर हमें एवरेज वेलोसिटी बतानी होती तो क्या करते? टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, तो यहाँ पे मॉड वाला नहीं आता, हम लोग ऐसे लिखते 4 - 20, तो -16/4 हो जाता। यस मैम। क्लियर है सबको ये? यस मैम। एक बार बता दो ये इंटीग्रेशन क्यों लिया? बस ये इंटीग्रेशन क्यों लिया, ये पूछो ना। यस मैम। हाँ देखो, अगर वेलोसिटी होती है और टाइम होता है तो इनको मल्टीप्लाई करूं तो डिस्प्लेसमेंट मिलता है। मल्टीप्लाई तो हम इंटीग्रेशन में कर पा रहे हैं ना, कि मैंने वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख दिया, टाइम लिख दिया, तो इनको मैंने मल्टीप्लाई किया। यस मैम। हाँ, तो इंटीग्रेशन करके ताकि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आ जाए, वरना मैं डिस्प्लेसमेंट निकालती कैसे, वेलोसिटी से तो नहीं आती। क्लियर है केशव? यस मैम। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस और स्पीड का फॉर्मूला बता रखा है हमें और एक्सेलरेशन बताना है। तो इसमें दो तरीके हैं। एक है कि आप यहाँ पे क्या करो, ये वी स्क्वेयर है, इसको पूरा ऐसे लिख दो, √108 - 9x² सब कुछ चेन रूल वगैरह लगा दो, या फिर थोड़ा शॉर्टकट मेथड है कि आप अंडर रूट मत लो। रीना बोलो। रीना कश्यप। ओके,
v square equals 208 minus 9x square है. ये अब क्या करते हैं, दोनों साइड हम टाइम से डेरिवेटिव कर देते हैं. ये बात समझ आ रही है सबको, क्या बोल रही हूँ मैं? यस मैम. यस मैम. तो इधर भी टाइम से डेरिवेटिव कर देते और इधर भी टाइम से ही क्यों कर रहे हैं हम? ताकि एक्सेलरेशन आ जाए कैसे ना कैसे. अब देखो यहाँ पे एक चीज देखो, अगर मैं लिख रही हूँ डीवी बाय डीटी, ये वी स्क्वायर के साथ में, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकती हूँ डीवी बाय डीवी से. ये समझ आया सबको? यस मैम. यस मैम. अब मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जब हम डेरिवेटिव करते थे एक्स की पावर एन का तो नीचे डी एक्स होता था, यहाँ पे डी टी है, तो फॉर्मूला में जब तक नहीं लगा सकती जब तक ऊपर और नीचे सेम वेरिएबल ना. तो अब अगर मैं इन दोनों को लूं तो सेम वेरिएबल हो गए. यस मैम. यस मैम. तो अब मैं फॉर्मूला लगा सकती हूँ डीवी बाय डीटी अलग से आ गया. मैम एक बार दोबारा बताना. देखो दिव्या, हमारे पास था डीवी स्क्वायर अपॉन डीटी, तो फॉर्मूला लगाने के लिए अगर ऊपर एक्स है तो नीचे भी डी के साथ एक्स ही होना चाहिए, अदरवाइज वो कांस्टेंट हो जाता है. ये क्लियर है? यस मैम. वो हमें वेरिएबल बनाने के लिए ही हमने उसी वेरिएबल से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया. अब मैंने इनको क्रॉस में पेयर ले लिए कि डीवी स्क्वायर अपॉन डीवी को एक जगह रख दिया. ओके मैम, आगे समझ. हाँ क्या? ठीक है. तो अब ये फर्स्ट टर्म में मेरे पास आ जाएगा डीवी स्क्वायर बाय डीवी इनटू डीवी बाय डीटी. अब राइट साइड में 108 का तो जो कुछ भी कर लो, डेरिवेटिव क्या आएगा? जीरो. जीरो. सेकेंड वाले टर्म में फिर से वही हो गया, एक्स है और नीचे तो टाइम है, तो क्या करते हैं, माइनस नाइन एक्स स्क्वायर आया, इसके साथ डी एक्स लगा दिया और साथ में एक डी एक्स बाय डी टी आ जाएगा. क्लियर है सबको कैसे लिखा मैंने? यस मैम. यस मैम. अब यहाँ पे देखते हैं क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव. 2v हो जाएगा. और dt by dt acceleration. अब dx by dt velocity. इसका डेरिवेटिव minus 18x. v से v कट गया, a क्या आ गया? minus 9x. तो हमारे पास ये ऑप्शन a आ गया. क्लियर है सबको ये? यस मैम. यस मैम. बाकी लोग जो बोल ही नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, सबको क्लियर है? यस मैम. यस मैम. यस मैम. ठीक है. यहाँ पे अब एक और क्वेश्चन है, ये आपके असाइनमेंट में पहले भी आया हुआ है, पर डिस्कस कर लेते हैं. अ बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट h मीटर. कि हाइट h मीटर के ऊपर से हमने एक बॉल को छोड़ा. इट टेक्स t सेकेंड्स टू रीच द ग्राउंड. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बॉल इन t बाय 3 सेकेंड. कि हमने एक हाइट h पे से एक बॉल को छोड़ा, तो छोड़ते वक्त इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? जीरो. 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 तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, बॉल नीचे आ रही है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. नीचे आते हैं, पॉजिटिव होगा. जी नीचे ही आना चाह रहा है ना? यस मैम. जी एक्सेलरेशन जी के उससे निकालते हैं जब भी, कि जी क्या करना चाह रहे हैं. और ऊपर से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आने में उसे टाइम लगा कैपिटल टी. इतना क्लियर है सबको? यस मैम. यस मैम. अब अगर हमारे पास डिस्टेंस है, टाइम है, एक्सेलरेशन है और इनिशियल वेलोसिटी है, तो इन तीनों को मिला के तो ये इक्वेशन बनती है s equals to ut plus half at square. इस इक्वेशन में क्या करती है, सारी वैल्यू पुट कर देती हूँ, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? जीरो. शहीद हो जाएगी. ये जीरो हो जाएगी. s की जगह हाइट आ गई h, ताकि मैं अगर मैं बात करूँ कैपिटल t टाइम में क्या हो रहा है, हाफ एक्सेलरेशन g और t की जगह कैपिटल t स्क्वेयर. ये क्लियर है सबको? यस मैम. यस मैम. यस मैम. अब हमें पोजीशन बतानी है जब टाइम टी बाय थ्री हो गया, तो फिर से सेम इक्वेशन में टाइम को टी बाय थ्री पुट करते हैं, तो एस आएगा. ये फर्स्ट टर्म तो अभी भी जीरो होगी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो.
सेकेंड टर्म में हाफ जी टी बाय थ्री का स्क्वायर. इसमें किसी को डाउट? नो मैम. आप क्या करते हैं, ये 1/9 जो आ रहा है उसको बाहर ले लेते हैं, अंदर रखते हैं हाफ जी टी स्क्वायर. अब बताना ये क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा. हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि ये तो सेम चीज एच फॉर्मूले में आ रही है. तो हमारे पास आ गया डिस्टेंस एच बाय नाइन. अभी डिस्टेंस हम ऊपर से नाप रहे हैं, नीचे से नाप रहे हैं? ऊपर से नाप रहे हैं हम लोग, कि ऊपर से फेंका था इतना, उससे एच बाय नाइन आया. तो नीचे से कितना ऊपर हो गया ये? टोटल हाइट थी h और ऊपर से नीचे तक का देखू तो ये था h by 9. तो बचा हुआ कितना हो गया? h/9. क्लियर है ये सबको? यस मैम. और किसी को कोई डाउट है इस असाइनमेंट में? नो मैम. अब मैं एक काम करती हूँ, एक स्लाइड ओपन कर लेती हूँ. आप बताओ वेक्टर्स, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव्स किस में ज्यादा प्रॉब्लम है? किसी में भी नहीं. जो लोग नहीं बोल रहे हैं वो कमेंट कर दो चैट बॉक्स में, किस में ज्यादा प्रॉब्लम है वो रिवाइज कर लेते सबसे पहले. किसी में नहीं है? Yes, ma'am. आप no, ma'am. ये आप दो तीन लोगों से नहीं पूछ रही, मैं बाकी लोगों से पूछ रही हूँ. मैम इंटीग्रेशन करवा दो. इंटीग्रेशन? यस हनी. शिवानी आप रोज क्लास में होते थे? यस मैम. मैम थोड़े दिन ही थी स्किप. अच्छा नहीं, बिल्कुल सेम जो आपने लगा रखी है डीपी, सेम उससे एक शिवांग भी होता है स्टूडेंट, इसलिए पूछ रही. स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम. यस मैम. ओके ओके केशव, ये भी बता दूंगी. तो उसी से स्टार्ट करते हैं कि कहाँ पे क्या यूज होता है. अगर हमारे पास वो जो टेबल थी जिसमें अलग अलग फॉर्मूलेस थे, तो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, कांस्टेंट सब होता है, तो एक्सेलरेशन तो उस केस में जीरो हो जाता है. तो हम डायरेक्टली स्पीड को ले सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, या वेलोसिटी को डिस्टेंस अपॉन टाइम. पर अगर हमारे पास वेरिंग एक्सेलरेशन होता है, मतलब ए आ जाता है कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ए तो है, इस केस में ए जीरो है, तो हमारे पास जो तीन इक्वेशन होती है वो यूज करते हैं. उन सब में एक ए की फिक्स वैल्यू लेते हैं. अगर अब एक और केस होता है जिसमें ए क्या है, एग्जिस्ट तो कर रहा है पर वो टाइम के साथ बदल जाता है, जैसे टी स्क्वायर प्लस टी, तो मैं टाइम को बदलूंगी तो वो बदलता जाएगा. और ये फॉर्मूला फिक्स नहीं होता, हर क्वेश्चन के हिसाब से बदल जाता है. ए का बदल गया, जैसे डिस्प्लेसमेंट का हो गया 5t³, कुछ भी हो सकता है. इन केसेस में हम इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव करते हैं. क्लियर है केशव? यस मैम. जिसमें टाइम बदल सकता है ना ऐसे कुछ भी, और जो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट है उनके फॉर्मूले में ही टाइम आ रहा है, उस केस में इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव करना पड़ता है. जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है उनमें नहीं करना पड़ता. अब हम स्टार्ट करते हैं फिर से एक बार रिवाइज करना इंटीग्रेशन को. तो इंटीग्रेशन में हम छोटे छोटे पार्ट को जोड़ के क्या फाइंड कर सकते हैं, स्लोप या एरिया? एरिया. एरिया.
x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. वो कौन सी वैल्यू है n जिसके लिए फेल हो जाता है? ने. -1 n की वैल्यू जैसे ही -1 हो जाती है तो ये 1 बाय x का इंटीग्रेशन हो जाएगा और यहाँ पे log प्लस c भी आएगा. इंटीग्रेशन वही पूछने वाली थी मैं कि इंटीग्रेशन में हमें चीज को प्लस करते हैं वो होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ठीक है. अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एफ एक्स डी एक्स, तो जैसे ये एस लग गया हमें इंटीग्रेशन करना है. जो चीज डी के साथ लगती है, मतलब जैसे यहाँ एक्स है तो एक्स वेरिएबल का इंटीग्रेशन करना है, और यहाँ पे जो भी चीज लगाएंगे जो फंक्शन उसके ऊपर सारे फॉर्मूलेज लगाने हैं. ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. अगर मेरे पास है फॉर एग्जाम्पल एक्स थ्री और पावर है कुछ फोर, सॉरी पावर नहीं कॉन्स्टेंट आके लगा हुआ है फोर, और इसका इंटीग्रेशन करना है, तो जो भी कॉन्स्टेंट है उसको हम एज इट इज बाहर निकाल सकते हैं, और फिर कुछ नंबर है जिसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं तो वो कर लेते हैं. जैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन करूंगी मैं तो आएगा फोर एक्स की पावर फोर अपॉन फोर. अब इस फोर से इसको कैंसिल भी कर सकते हैं. क्लियर है सब? यस मैम. यस मैम. यस मैम. ओके, अब अगर हमें देखना है कि यहाँ पे है एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस फोर टी स्क्वायर डी टी, इसमें ये बताओ कांस्टेंट चीज क्या है? एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर है और फोर. फोर. ठीक है, तो फोर तो नंबर है, वो तो आपने वैसे ही समझ लिया कि कांस्टेंट है. एक्स स्क्वायर कैसे पता चला? जिसके साथ डी लगा हुआ है सिर्फ वो ही बदल सकता है, बाकी सारी चीजें जैसे एक्स स्क्वायर है वो कांस्टेंट. ये टी स्क्वायर और टी स्क्वायर यहाँ पे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में यूज होंगे. क्लियर है सबको? यस मैम. यस मैम. यस मैम. फिर हमारे पास था दो टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं, एक होता है डेफिनेट, एक होता है इनडेफिनेट. लिमिट्स किस में लगती है? डेफिनेट वाले में लिमिट लगती है, इनडेफिनेट में नहीं लगती है. और सी किस में ऐड होता है, किस में नहीं होता है? इनडेफिनेट वाले में ऐड होता है. हाँ, जिसमें हम एरिया फाइंड कर रहे हैं या लिमिट लगा दिया हमने, उस केस में हम सी को ऐड नहीं करते. तो लिमिट वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं? अगर हमारे पास है एक्स स्क्वायर डी एक्स और x की वैल्यू चेंज हो रही है, मान लेते हैं 2 से 4 तक, तो ये लिमिट वो है कि वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है. नीचे वाली होती है लोअर लिमिट, ऊपर वाली अपर लिमिट. नीचे वाली को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऊपर वाली को ऐड करते हैं. अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले नॉर्मल फॉर्मूला लगाएंगे कि x की पावर 2 थी, इंटीग्रेशन करके 3 अपॉन 3 हो गया. फिर हमने क्या किया, 2 और 4 यहाँ पे रख दिया. अब ये 2 और 4 x की ही वैल्यू थी, तो एक एक करके उसमें पुट करेंगे. जैसे मैं 4 पुट करूंगी तो 4 का क्यूब अपॉन 3 आएगा, 2 पुट करूंगी तो 2 का क्यूब अपॉन 3. अब मैंने कहा था नीचे वाला सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ से माइनस लग जाएगा. ये क्लियर है सबको? यस मैम. यस मैम. ओके, फिर अगर मैं इंटीग्रेशन कर रही हूँ 2dx का तो क्या आएगा? 2x आएगा. याद रखना इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट है और कुछ भी नहीं है, तो भी इंटीग्रेशन में जो d के साथ एक वेरिएबल लगा है वो आ जाएगा. और वहीं अगर मैं 2 का डेरिवेटिव करूं तो क्या आएगा? 0. तो डेरिवेटिव में कांस्टेंट है जब तक, तो आंसर 0 ही आता रहेगा. इंटीग्रेशन में कांस्टेंट है तब भी हमें आंसर मिलता रहता है. फिर हमारे पास अगर दो चीजें ऐड हो रही हैं और फिर इंटीग्रेशन करना है तो इनको अलग अलग करके कर सकते हैं? यस मैम. यस मैम. ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो अलग अलग करके कर सकते हैं. अब हमारे पास मान लेते हैं कोई रैंडम यहाँ पे से कर्व था और यहाँ पे टी वेरिएबल है टाइम और ये वाई है एंड वाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी, और हमें बताना है फाइंड द एरिया मेड बाय दिस कर्व व्हेन द टाइम चेंजेस फ्रॉम 2 टू 4.
तो कौन से मेथड से निकाल सकते हैं एरिया, किस चीज से निकाल सकते हैं एरिया, इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव? इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं। और एरिया में क्या होता है, दो चीजें होती है, जैसे नॉर्मल कोई भी शेप ले, लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो जैसे मान लेते हैं ये 2 से 4 तक का, तो एक तो मेरी ये ब्रेथ हो गई और ये मेरी लेंथ हो जाएगी। ये समझ आ रहा है सबको? यस मैम। तो ब्रेथ पे क्या हो रहा है, टाइम है और वो चेंज हो रहा है 2 से 4 तक। तो मैंने ब्रेथ की जगह लिख दिया dt, और ये जो मेरे पास मैंने स्ट्रीट लाइन में वर्टिकल कर दिया वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई वाली एक्सिस, और उसकी वैल्यू हमें गिवन है t2 + t। यस मैम। तो हमारी लेंथ हो गई, अब लेंथ भी आ गई, ब्रेथ भी आ गई, अब हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब इंटीग्रेट करूंगी तो लिमिट क्या लगाऊंगी, 2 से 4 हम 2 से शुरू करके 4 पे जा रहे हैं, तो लोअर लिमिट स्टार्टिंग पॉइंट है, अपर लिमिट फाइनल पॉइंट है, और जैसे इसको सॉल्व किया हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एरिया आ जाएगा। क्लियर है सबको ये? यस मैम। यस मैम। तो एरिया के लिए दो चीजें थी, लेंथ और ब्रेथ। एक हमारे पास एक्स एक्सिस पे जो है उसके साथ लगा दो डी, और वाई एक्सिस पे जो है वो हमारे पास दूसरी टर्म हो जाएगी। शिवानी अब बताओ आपको कहाँ पे डाउट है और? नो मैम, बस क्लियर हो गया। क्लियर हो गया डाउट सारा? ठीक है। यस मैम। तो एक बार फटाफट, इंटीग्रेशन ऑलमोस्ट रिवाइज हो गया, डेरिवेटिव और कर लेते हैं इसी। एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव जो पावर है वो सामने आ जाती है और एक पावर डिक्रीज हो जाती है। इंटीग्रेशन में पावर में एक ऐड हो रहा था, यहाँ पे एक सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इसमें कोई कंडीशन नहीं है, सारी वैल्यूज के लिए पॉसिबल है ना? इंटीग्रेशन में चेन रूल नहीं होता है, वहां पे प्रोडक्ट रूल होता है, वो 12th में करोगे, आपको बहुत लंबा प्रिंसिपल है। क्लियर है? वो समझाने के लिए पूरे इंटीग्रेशन जब पढ़ोगे तो 12th में 12 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में। अब हमारे पास यहाँ पे डेरिवेटिव में x की पावर n का जब हम डेरिवेटिव कर रहे हैं तो n बाहर आ गया और x की पावर डिक्रीज हो गई। इसमें भी वही रूल है कि अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट है सामने, जैसे मैं लिख रही हूँ 2x³, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इस 2 को कैंसिल कर सकती हूँ अगर ये हो रहा है तो, और मल्टीप्लाई भी कर सकती हूँ। ये यहाँ पे आ जाएगा 2 × 3 × x². अब अगर दो चीजें ऐड हो रही हैं या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो उसमें भी हम डायरेक्टली डेरिवेटिव कर सकते हैं। ये क्लियर है सबको इतना? यस मैम। यस मैम। अब प्रोडक्ट रूल क्या होता है, ये दो है इनका डेरिवेटिव करना है तो कैसे करेंगे, दोनों का साथ में कर दूं? पहले u का डेरिवेटिव v बार लिखना, फिर प्लस का साइन लगा के v डेरिवेटिव u बार लिखना, मतलब एक के करना है, सबको साथ में नहीं करना है, एक बारी में एक का ही करना है। जैसे u का करेंगे तो v को कांस्टेंट रख लिया, v का करेंगे तो u को कांस्टेंट रख लिया। फिर अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो कैसे करते हैं, पहले u का डेरिवेटिव फिर बीच में माइनस का साइन होगा, फिर v का डेरिवेटिव लेना, फिर अपॉन v² करेक्ट, अपॉन v² यहाँ पे पहले न्यूमरेटर वाले का डेरिवेटिव करेंगे, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर डिनोमिनेटर वाले का न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, और इसमें बीच में माइनस आ जाता है और जो भी डिनोमिनेटर में है उसके स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। फिर अगर मेरे पास है साइन एक्स की पावर 3 तो ये कौन से मेथड से हो सकता है, चेन रूल। चेन रूल से, चेन रूल लगाने के लिए बाहर कौन सा फंक्शन है यहाँ पे, साइन। साइन का है तो साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो कॉस, कॉस कॉस x³ आ गया। क्या ये करेक्ट है यहाँ तक? यस मैम। क्या कमी है, x³ का भी अभी करना है डिफरेंशिएशन, साथ में जो एंगल कुछ भी है जो बदला है उसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x³, और x³ का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा,
3x square cos x cube हमारे पास पूरा आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर मैं पूछूं आपसे, फॉर्मूले याद हो गए ट्रिग्नोमेट्री वाले, साइन का डेरिवेटिव cos, cos का डेरिवेटिव माइनस x, माइनस साइन, tan का डेरिवेटिव secant x square, secant square x होता है, secant x square नहीं होता है, अलग चीज है दोनों। यस ओके ठीक है। अब क्योंकि स्टूडेंट्स लीव करने लग गए हैं तो मैं ये बोल रही हूँ जो छोड़ रहे हैं, प्लीज सब लोग टेस्ट जरूर देना चाहे कितने भी मार्क्स आए, ठीक है। क्लास में मैं मार्क्स डिस्कस नहीं करूंगी किसी के भी, पर प्लीज चाहे जीरो मार्क्स आए, नेगेटिव आए, कुछ नहीं आता है, पर आप अटेम्प्ट जरूर करना, सबसे रिक्वेस्ट है। यस मैम, यस मैम। और आप लोग चाहो तो मेरे को रिजल्ट भी शेयर कर सकते हो। ओके मैम, यस मैम, ओके। अब डेरिवेटिव्स में और हाँ, अगर मेरे पास गिवन है f ऑफ x दे रखा है x cube plus x square और f dash 1 फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? पहले डिफरेंशिएशन करेंगे फिर वैल्यू पुट कर देंगे 1। पहले डेरिवेटिव करेंगे फिर वैल्यू पुट करेंगे, पहले वैल्यू मत पुट करना वरना डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले f dash x करेंगे, f dash x करेंगे तो आ जाएगा 3x square, x square का करेंगे तो 2x और two अब x x की जगह 1 पुट कर देते हैं। 5 आंसर 3 plus 2। क्लियर है सबको ये? यस मैम। अच्छा अब मैं ये पूछूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट द डेरिवेटिव डू नॉट चेंज विद टाइम, द डेरिवेटिव इज कांस्टेंट। मैम दोबारा बोलना, समझ ही नहीं। वो वैल्यू बताओ x की जिस पे जो डेरिवेटिव है वो नहीं बदलना चाहिए। 0। कैसे निकाला केशव? 0 पे कुछ भी कर लो, कुछ भी नहीं हो सकता, 0-0 ही रहता है। अच्छा अगर यहाँ पे x नहीं होता तो 2 होता, तो कांस्टेंट का भी 0 ही होता है, तो कांस्टेंट का भी 0 होता है, करेक्ट। हमें अगर हमारे पास एक ऐसी वैल्यू बतानी है जहाँ पे डेरिवेटिव नहीं बदल रहा है, डेरिवेटिव 0 आ रहा है तो कांस्टेंट ही होगा ना? Yes, yes, ma'am. Yes. Okay. Ma'am. अच्छा, और अगर ऐसे पूछा जाए x की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर हो सकती है, कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होगी, वो बोल रहा है क्वेश्चन में वो वैल्यू बताओ x के जिसमें डेरिवेटिव 0 है। डेरिवेटिव आया 3x square plus 2, इसकी वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू यहां से निकालनी पड़ेगी। समझ आ रहा है ये? यस मैम। हाँ तो वो आपको उसने बोला है कि डेरिवेटिव 0 करना है तो उस केस में करना पड़ेगा। अगर वो ये बोलता है कि कौन सी कंडीशन पे डेरिवेटिव 0 होता है तो आप बोल सकते हो कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू पे, पर जब क्वेश्चन बोला हुआ है तो उसके लिए फाइंड करना है। ओके मैम। अच्छा मतलब उन्होंने इक्वेशन दी होगी। हाँ वो इक्वेशन दी होगी तो आप वो निकालोगे वैल्यू 0 करके, नहीं दी होगी मैं तो हर कोई इक्वेशन ले रहा था कुछ भी है दुनिया की सारी। हाँ दुनिया की सारी इक्वेशन के लिए तो कांस्टेंट आंसर वो करेक्ट था, कोई इक्वेशन दे रखी है तो उसमें 0 करके निकालोगे, जैसे हमने असाइनमेंट में वेलोसिटी का करा था ना। यस मैम। ओके यस। दो साइड है पैरेललोग्राम की, एरिया कैसे निकालते हैं? बेस इनटू हाइट। बेस दे नहीं रखे आपको, दो वेक्टर दे रखे हैं, वेक्टर बी वेक्टर। कैसे निकालते हैं? A square plus B square। नहीं, A क्रॉस B करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम निकालता है।
भूल गए सर यस मैम यस मैम अब यस मैम पैरेललोग्राम में कितने ट्रायंगल बनते हैं बराबर साइज के टू दो बनते हैं तो अगर पैरेललोग्राम का एरिया 50 है तो ट्रायंगल का कितना होगा 25 25 तो ट्रायंगल के एरिया के लिए यहाँ पे फॉर्मूले में एक हाफ आ जाता है ना यस मैम यस मैम अब एरिया स्केलर होता है तो ये क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालना जरूरी है वरना आंसर नहीं आएगा अब क्रॉस प्रोडक्ट से जो आंसर बनता है जैसे जेड वेक्टर वो किस डायरेक्शन में होता है ए के परपेंडिकुलर होता है या बी के परपेंडिकुलर होता है या दोनों के होता है या दोनों के पैरेलल होता है क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर दोनों के परपेंडिकुलर होता है पैरेलल होता है ए में होता है बी में होता है फटाफट बताओ नहीं आता मैम परपेंडिकुलर चाली किसके परपेंडिकुलर होता है फिर से बोलना मैम दोनों के परपेंडिकुलर होता है जो क्रॉस प्रोडक्ट से हमारे पास वेक्टर बनता है वो ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी परपेंडिकुलर होता है याद रखना जैसे हम आई क्रॉस जे करते हैं हमें के मिलता है अब जेड एक्सिस तो वाई के भी परपेंडिकुलर होती है और एक्स के भी परपेंडिकुलर होती है क्लियर है ये यस मैम यस मैम यस मैम अच्छा अब यहाँ पे क्या करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है कल के पेपर में वेक्टर्स आ रहा है पता है ना सबको आई माइनस जे के वाला वही पूछ रहे हो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला पूछ रही हूँ साइन थीटा ए बी साइन थीटा बी साइन थीटा हाँ ए डॉट बी क्या होता है अब क्या करते हैं ये अच्छा ये वैल्यू बताओ ये कब जीरो होती है cos theta वाली 90 डिग्री पे मतलब जब cos जीरो जब 90 हो cos जीरो पे 1 होती है वैल्यू sin theta कब जीरो होता है जीरो डिग्री पे जब जीरो डिग्री पे जीरो और 180 पे मतलब पैरेलल ठीक है तो अगर हमें पैरेलल प्रूफ करना है तो क्रॉस निकालेंगे परपेंडिकुलर निकालना है तो डॉट प्रूफ कर देंगे डॉट प्रोडक्ट जीरो अच्छा अब यहाँ पे मैंने दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लिया और जेड वेक्टर आ रहा है अब जेड का मैं डॉट प्रोडक्ट लेती हूँ ए के साथ तो क्या आएगा ऑप्शंस भी देती हूँ मैं ठीक है 1 0 -1 और नन ऑफ द अबव अब आप लोग ही बताओगे क्या आएगा मैम क्वेश्चन रिपीट करना मेरा नेट चला गया था अच्छा यहाँ पे दो वेक्टर हैं ए और बी उनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया मेरे को जेड वेक्टर मिल रहा है अब वो जो जेड वेक्टर इनके क्रॉस प्रोडक्ट से मिला उसका डॉट प्रोडक्ट ले रही हूँ मैं ए के साथ तो क्या आएगा विशाली क्या आना चाहिए क्यों आएगा जीरो बोलो नन्या मैम बी वेक्टर नहीं नहीं ऑप्शन यही है बी नहीं है ऑप्शन है 1 0 -1 नन ऑफ द अबव मैम वैसे जीरो आएगा आंसर क्यों आएगा जीरो जब हम आई कैप अभी यहाँ पे बोल रहे थे क्या बोल रही थी मैं बोलो जब हम आई कैप मल्टीप्लाई करते हैं आई कैप से तब वन आता है नहीं जीरो आता है जीरो आता है ये डॉट प्रोडक्ट में क्रॉस प्रोडक्ट पूछ रहे हो नीलेश डॉट प्रोडक्ट पूछ रहे हो डॉट डॉट में वन आता है तो यहाँ पर दोनों अलग अलग हैं वैसे तो इसलिए जीरो आया जीरो आएगा क्यों आएगा जीरो दिव्या क्योंकि ये दोनों अलग अलग साइड से हैं अलग अलग साइड मतलब तो अरे डॉट प्रोडक्ट ये नहीं है कि सब सेम डायरेक्शन में आंसर देता है और भी तो एंगल पे डायरेक्शन आंसर देता है 30 डिग्री 40 डिग्री पे मैम जैसे आई कैप डॉट आई कैप वन होता है तो ये जैसे जेड कैप वगैरह मान लो तो ये दोनों अलग अलग हैं और दोनों अलग अलग जीरो होते हैं
नहीं अलग ऐसे अलग अलग जीरो नहीं होते, i cap dot j cap जीरो के इक्वल होता है, वो तब होता है क्योंकि उनके बीच में 90 डिग्री एंगल होता है, इसलिए नहीं कि दोनों परपेंडिकुलर है। क्या बोल रहे दिव्या, क्या ये भी परपेंडिकुलर है दोनों? वही तो पूछ रही हूँ विशाली। यस मैम। जीरो क्यों होगा मैम? क्योंकि हमने इनका जो मतलब डॉट प्रोडक्ट लिया था वो पहले ही परपेंडिकुलर लिया था ए बी का। हाँ फिर मैम उसके आगे नहीं पता लगा। देखो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट निकाला हमने तो क्रॉस प्रोडक्ट से जेड आया। अब मैंने पहले ही बताया था क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर परपेंडिकुलर होता है ए के बी और बी के बी, तो जेड ए के बी परपेंडिकुलर है और बी के बी परपेंडिकुलर है, तो थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। इसलिए डॉट प्रोडक्ट जीरो है, इसलिए नहीं कि दोनों अलग अलग हैं। अलग अलग के केस में हमेशा जीरो मत करना, जब 90 डिग्री होगा सिर्फ तभी जीरो होंगे। क्लियर है? हाँ अलग तो कुछ भी हो सकता है, मान लो कि मेरे पास है 3 है ए की वैल्यू और जेड की वैल्यू है 4 और उनके बीच में एंगल 60 डिग्री है, तो इसका आंसर जीरो थोड़ी आएगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. वो अलग अलग आई डॉट जे से मेरा मतलब था, जब अलग अलग ये यूनिट वेक्टर ले रहे हैं आई जे के इनमें से, तो इनके बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाता है, वैसे वैल्यूज के लिए नहीं होता है। क्लियर है? यस मैम। मैम फिर दस मतलब है जब ये परपेंडिकुलर होंगे तभी जीरो आएगा? हाँ सिर्फ तभी जीरो आएगा, वरना जब एक वेक्टर गायब हो जाएगा कि ये जीरो हो गया या ए का मैग्नीट्यूड जीरो है तब आएगा, वरना नहीं होता जीरो। अब एक क्वेश्चन क्रॉस प्रोडक्ट का सॉल्व करो। आई ए वेक्टर है 2i cap 3j cap + 4k cap और i cap + 2j cap + 5k cap, पहले डॉट प्रोडक्ट बताओ क्या आएगा ए डॉट बी। हिंट दे देती हूँ, डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ सेम वाली चीज है मल्टीप्लाई करनी होती है, वेक्टर तो लगता ही नहीं है, तो सबसे पहले आएगा 16। अच्छा देखो यहाँ पे x में x को मल्टीप्लाई करना है तो 2 × 1 2 हो गया, -3 × 2 - 6 हो गया, 4 × 5 20 हो गया, 20 में से 4 घटाएंगे तो 16 हो जाएगा। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। और क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा? -23i cap। अच्छा केशव का आ रहा है -23, चेक कर लेते हैं। मैंने एक क्वेश्चन तो बोला आगे भी होगा कुछ। हाँ ए क्रॉस बी कर रहे हैं हम लोग, तो ए का पहले लिखेंगे बी का बाद। -23i cap - 6j cap + 11k cap। ओके तो क्रॉस लग लेते हुए यहाँ पे एक तो एक माइनस लगाते हैं ऊपर, दूसरा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और लेफ्ट वाले को पॉजिटिव लेते हैं राइट वाले को नेगेटिव, और जिस भी वेक्टर की बात कर रहे हैं उस वाली लाइन को छुपा देते हैं। जैसे आई कैप के टाइम पे ये वाली लाइन छुप जाएगी तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आएगा -15 - 8। फिर जे के लिए आ जाएगा 10 - 4 और के लिए आ जाएगा हमारे पास 4 + 3। यहाँ से वैल्यू आ गई -23i cap - 6j cap + 7k cap। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। अब क्वेश्चन में आपके आए कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, तो कैसे निकालोगे? ए वेक्टर दे रखा है, हमें फाइंड करना है एक यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। डॉट प्रोडक्ट निकाल के डॉट प्रोडक्ट से अनेक हम प्रूव कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर है, क्योंकि कॉस उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। जब दो परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने होते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट यूज करते हैं। क्लियर है अनेक? यस मैम। तो अगर हमें परपेंडिकुलर आंसर निकालना है तो हम क्रॉस लेंगे, प्रूव करना है तो डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं क्योंकि डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू जीरो आ जाएगी।
तो जैसे मैंने मान लो कोई भी दो वेक्टर लिए, उनको क्रॉस प्रोडक्ट करा और आंसर आ गया 28 आई कैप, ये आ गया फॉर एग्जांपल। और अब बोला गया था कि ऐसा यूनिट वेक्टर बताना है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो पहले परपेंडिकुलर निकाल दिया, फिर उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। क्लियर है सबको? यस मैम। तो यूनिट वेक्टर वाले क्वेश्चन क्या करना, यूनिट वेक्टर का टॉपिक पहले अलग कर देना, फिर देखना क्वेश्चन में और क्या पूछा है, तो पहले उसको सॉल्व करना कि दो एक वेक्टर चाहिए तो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, वो निकालो, फिर यूनिट के लिए तो हम डिवाइड कर देंगे मैग्नीट्यूड से। और कोई डाउट है अभी किसी को? नो मैम। किसी को भी नहीं कोई डाउट? सब लोग छोड़ छोड़ के चले गए, जब क्लास स्टार्ट हुई थी तो 44 स्टूडेंट्स थे। कल कोई टेस्ट देगा नहीं? हम देंगे मैम। मैम देंगे, हम देंगे। ठीक ओके, दोगे तो अच्छी बात है, आप लोग की रिवीजन होगी। बाकी लोग जो नहीं बोल रहे हैं, कोई डाउट है क्या, प्लीज बता दो। नो मैम। नो मैम। नो मैम। मैम एक बार जो भी समझाया वो दोबारा समझाओ, ये बता जो भी चला हुआ है ब्लैक बोर्ड। अच्छा यस मैम। मैं कह रही हूँ कि अगर दो वेक्टर हैं ए और बी, क्वेश्चन में बोला जाए फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, या फिर ऐसा बोला जाए फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, दोनों का मतलब एक ही है। तो सबसे पहले दो वेक्टर के लिए अगर कोई परपेंडिकुलर चाहिए तो मैं क्रॉस प्रोडक्ट करके बना सकती हूँ कि इनके परपेंडिकुलर एक वेक्टर बन जाएगा। ये क्लियर है केशव ये कंसेप्ट? यस मैम। हाँ, तो उससे जैसे कुछ भी आंसर आए कि मान लो क्रॉस प्रोडक्ट करा, उसके बाद आंसर आ गया 3i कैप + 4j कैप, तो एक ऐसा वेक्टर आ गया जो ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी। और अब अगर मेरे को इसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बनाना है तो बस इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? यस मैम। अच्छा, कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए हैविंग मैग्नीट्यूड 5, तो कैसे करते हैं? किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं, सिर्फ डायरेक्शन? वेक्टर लिख के नीचे मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। हाँ, उसमें मैग्नीट्यूड हटा दो तो सिर्फ डायरेक्शन मिल जाएगी ना, कि कोई भी वेक्टर है जैसे 28 आई कैप ही है, इसमें सिर्फ डायरेक्शन चाहिए तो मैं 28 से डिवाइड कर देती हूँ, सिर्फ डायरेक्शन आ जाएगी आई कैप। यस मैम। अब ये तो ए की कंपोनेंट है, ऐसे साथ में जे भी लगा सकते हैं, के भी लगा सकता है। और अब यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? वन। एक का कैसे 5 बनाते हैं? 5 से मल्टीप्लाई करके। 5 से मल्टीप्लाई करके, करेक्ट। तो जो भी यूनिट वेक्टर है उसको फिर जो भी मैग्नीट्यूड चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दो, उतना वेक्टर बन जाएगा। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। और कोई डाउट है किसी का? नो मैम। नो मैम। ऑल द बेस्ट एवरीवन देन। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। प्लीज टेस्ट कर लेना, इतना ही थैंक यू बहुत है। फिर आप लोग सोने जा सकते हो अब। नो मैम। गैलीलियो ट्रिक पे क्वेश्चन आएगा। क्या बोल रहे हो निलेश? गैलीलियो ट्रिक पे क्वेश्चन आएगा। गैलीलियो वही वाला जो था जो एक बॉल हाइट से गिर रही है तो फर्स्ट सेकंड में एक्स डिस्टेंस कवर करेगी, अगले में थ्री एक्स। मेरे सिलेबस क्या है कल के टेस्ट का? वेक्टर एंड कैलकुलस। तो कैलकुलस में मोशन इन्वेंटी नहीं आ रहा है? ओके। हाँ, सिर्फ मैथमेटिकल टूल्स कैलकुलस, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव को कहते हैं। ओके मैम।